चुड़ैल आती है और वो बैट से बहुत खेलती है और फिर उस बैट के साथ गायब हो जाती है। एक गांव था जबलपुर, जहां दूसरे शहर के बच्चे अक्सर क्रिकेट कोचिंग के लिए आया करते थे। कहा जाता था कि जबलपुर में सबसे बड़ी क्रिकेट कोचिंग अकेडमी थी। सचिन, नदिम और स्नेहा ये तीन बच्चे भी दूसरे दूसरे गांव से यहां क्रिकेट कोचिंग के लिए आए थे। इस एकेडमी में काफी अच्छे अच्छे कोच थे जो बच्चों को अच्छे से ट्रेन करते थे। सब अच्छा चल रहा था। बच्चे अक्सर लेट नाइट तक क्रिकेट एकेडमी के प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस किया करते थे। उस दिन भी रात को करीब 2 बज गए थे और बच्चे खेल रहे थे। चलो ना, बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब चल के सोते हैं। मैं तो आज फुल नाइट प्रैक्टिस करने वाला हूँ, कल सर सिलेक्शन करने वाले हैं बेस्ट स्टूडेंट का। हाँ तो इसमें तेरा क्या काम, क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट तो मैं ही बनूंगा। मेरी बैटिंग के सामने सब फेल है फेल, तू जाके सो जा। मैं तो जा रही हूँ सोने, तुम दोनों को जब सोना है सो जाना। ओ स्नेहा की बच्ची, कहीं डरेगी तो नहीं ना उस चुड़ैल से? नदीम और सचिन एक दूसरे को इशारा करते हैं। हाँ वही चुड़ैल जो रात को 2:30 बजे आती है यहाँ इस एकेडमी में क्रिकेट खेलने। वैसे चुड़ैल क्रिकेट खेलती कैसे होगी, चौका छक्का मारती होगी या बॉल स्टेडियम से बाहर? अरे रन भी लेना हो तो चुड़ैल तो एक छलांग में रन ले ले। थोड़ी देर बाद दोनों थक जाते हैं और एक सफेद साड़ी में एक चुड़ैल आती है वहाँ। यार मैं जा रहा हूँ सोने, तू चल रहा है? हाँ हाँ चल, मैं भी आता हूँ। सचिन भूल से क्रिकेट बैट वहीं भूल जाता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ चुड़ैल आती है और वो बैट से बहुत खेलती है और फिर उस बैट के साथ गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह बच्चे उठते हैं। सर ने बच्चों को कहा, बच्चों हम क्रिकेट सिलेक्शन शाम को करेंगे, तब तक स्विमिंग पूल में फ्रेश वाटर भरवाया है, सो सब चाहे तो स्विमिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सर लेकिन मुझे बेस्ट स्टूडेंट अभी बनना था। कहीं तो सच में खुद को सचिन तेंदुलकर तो नहीं समझने लगा, जो तुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया? जमीन पे रह, तेरा नाम सिर्फ सचिन है, चलो जाओ चुपचाप स्विमिंग कर लो। सब बच्चे स्विमिंग पूल में चले जाते हैं स्विमिंग के लिए। सब बच्चे पानी में खूब स्विमिंग करते हैं, लेकिन सचिन का पानी में मन नहीं लगता, उसे तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी थी। वो जल्दी से पानी के बाहर आ जाता है और भाग के अपने कमरे में जाता है और बैट ढूंढता है, लेकिन बैट नहीं मिलती। फिर वो क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, वहाँ भी उसे नहीं मिलती। तो परेशान होकर सचिन स्विमिंग पूल के वहाँ आता है। नदीम मेरा क्रिकेट बैट नहीं मिल रहा। हाँ तो मैं यहाँ स्विमिंग पूल में तो लेके आया नहीं, ढूंढ होगा कहीं। अरे हर जगह देख लिया, नहीं मिल रहा। वो मेरा फेवरेट बैट था, उस पे सचिन तेंदुलकर की साइन भी थी। तो क्या करूँ अब, शांति रख, कपड़े पहनता हूँ और आता हूँ ढूंढने के लिए। नदीम और सचिन बैट को हर जगह ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता। नदीम सचिन को अपना बैट देता है, सचिन उससे खेलने लगता है। यार तेरे बैट से तो मेरे छक्के चौके जा ही नहीं रहे, पनौती है ये बैट। ज्यादा नाटक मत कर, खेलेगा ढंग से तो चौके छक्के जाएंगे ना, खेलने आता नहीं और मेरे बैट को पनौती बोलता है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन सचिन को उसके बैट के बिना नींद नहीं आती। वो बहुत दुखी रहता है। सचिन सोच सोच के थक जाता है और सो जाता है। आधी रात को चुड़ैल फिर आती है और सबके कमरों से सारे बैट चुरा लेती है और फिर गायब हो जाती है। सब बच्चे उठते हैं तो सबके बैट गायब हो जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, आखिर बैट जा कहां रही है? कहीं बैट चुड़ैल तो नहीं ले जा रही? तुम दोनों ने कहा था ना कि चुड़ैल यहाँ आती है रोज क्रिकेट खेलने, तो वो ले गई होगी। तो स्नेहा ये बोल के चली जाती है। उसके जाने के बाद नदीम और सचिन दोनों सोचने लगते हैं। जो बैट चुरा रहा है हो सकता है
कि आज रात को भी आए, चल पता लगाते हैं। उस दिन दोनों बच्चे सोते नहीं हैं और पूरी रात जागते हैं। आधी रात को वो चुड़ैल फिर आती है और वो बैट ढूंढने लगती है। उसे कोई बैट नहीं मिलता तो वो वापस गायब हो जाती है। नदीम और सचिन सोचने लगते हैं, आखिर गई कहाँ होगी वो। तभी उन्हें चुड़ैल के पैरों के निशान दिखते हैं। वो उस पैर के निशान के साथ साथ चलने लगते हैं और चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच था। वहां जाकर उन दोनों को डर लगने लगता है क्योंकि अचानक हवा चलने लगती है और जानवरों की आवाजें आने लगती है। इतने में वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे मेरे सोनू, जरा कुएं के अंदर तो देखो क्या है। ये सोनू मोनू कौन है? अरे छोड़, पहले कुएं के अंदर देख। दोनों कुएं के अंदर देखते हैं तो वहाँ पूरा कुआ पानी की जगह बैट से भरा हुआ था। वो देखकर दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। मेरे दो बच्चे थे सोनू और मोनू, उनके पास खेलने के लिए बैट नहीं थे तो वो अक्सर रोया करते थे। और एक बार तो बैट लेने के लिए मैंने चोरी की तो पकड़े जाने पे मुझे इतना मारा कि मैं मर गई। तब से मैं बैट इकट्ठा कर रही हूँ मेरे सोनू मोनू के लिए। सचिन और नदीम ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। आज मेरे सोनू मोनू को बैट देकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और अपने अपने सारे बैट ले लेते हैं। उसके बाद सचिन और नदीम ने बाकी सारे बैट सब बच्चों को लौटा दिए और सब बच्चे फिर खुश हो जाते हैं और चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है।